नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मेरठ में ही बीजेपी की स्टार प्रचारक और इंटरनेशनल पहलवान बबीता फोगाट पर कथित तौर पर हमला किया गया है। बबीता फोगाट का आरोप है कि जब वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही थी, तब उनकी कार पर SPRLD के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। देखते देखते कुछ लाठी डंडों से आए और उन पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने बबीता फोगाट की गाड़ी पर भी हमला किया। इस दौरान 3 महिलाएं और 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हमला करने वाले RLD के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बबीता फोगाट ने कहा कि मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ी गई, काफिले की अन्य गाड़ियों को भी तोड़ा गया। मामले में हमने FIR दर्ज करवा दी है। इतना ही नहीं, बबीता फोगाट ने SP और RLD पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज SP और RLD ने ये साबित कर दिया कि ये लोग गुंडागर्दी फैलाते हैं। जयंत चौधरी भी अपने माँ बाप के संस्कार भूल गए हैं और बुरी संगत का असर उनमें दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को हरियाणा से बीजेपी नेता बबीता फोगाट मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल का प्रचार करने पहुंची थी। वो जब क्षेत्र के गांव दबथुवा में प्रचार करने पहुंची तो यहां के लोगों ने उनका विरोध किया। पहले बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई और बाद में नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें कथित तौर पर बबीता फोगाट की कार पर भी लाठियां मारी गई। सूत्रों के मुताबिक विरोध और मारपीट को देखकर बबीता फोगाट वहां से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। जहां विवाद हुआ वहां दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। बीजेपी नेता सत्येंद्र का आरोप है कि बीजेपी के काफिले पर हमला करने वाले RLD के कार्यकर्ता हैं। उनका आरोप है कि हमला करने वाले लोगों ने उन पर और उनके कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा है। हमले में 3 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें बीजेपी नेता सत्येंद्र भी शामिल है। सभी घायलों को सरधना CHC में भर्ती करवा दिया गया है। घटना के बाद दबथुआ गाँव में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात की गई है। बता दें कि सिवालखास से बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल का क्षेत्र में लगातार विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 10 मार्च को होनी है। पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। पहले फेस में जहां वोट पड़ने हैं उनमें मेरठ भी शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।